हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता विश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो मैंने आज फिर से अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज मीनाक्षी के यहाँ एक छोटी सी पार्टी है। और पार्टी किस चीज़ की है वो वहीं पे जाके आप लोगों को पता चलेगा। तो हम जितने भी अजंता ब्यूटीज़ हैं सब लोग वहाँ पे जाएंगे मीनाक्षी के यहाँ। और यहीं सोसाइटी में मीनाक्षी का नया घर बना था, गृह प्रवेश का, तो आप लोगों ने देख ही लिया था। तो गृह प्रवेश के बाद उसने एक पार्टी करनी थी, तो वही पार्टी हमारी आज है। तो अभी चलेंगे हम लोग मीनाक्षी के यहाँ, जहाँ पर कि अजंता की सारी ब्यूटियाँ एक साथ मिलने वाली है। तो वहीं पे जाके दिखाऊंगी मैं अजंता ब्यूटीज़ को आप लोगों के लिए, दिखाऊंगी, मिलाऊंगी और बताऊंगी कि आज पार्टी में क्या क्या होता है। तो मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, और इधर पूजा भी आ गई है और पूजा भी हो चुकी है रेडी। तो अभी रेखा भी हो रही है रेडी। तो इसी तरीके से हम लोग सब तैयार होके जाएंगे। और मीनाक्षी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने पे आमने सामने रहते हैं हम। तो चलते हैं मीनाक्षी के यहाँ, और 4:30 बजे का टाइमिंग है। देखते हैं कौन कौन लोग टाइम पे पहुँचते हैं और क्या आज पार्टी में होने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में यूं ही बने रहना, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। और चलते हैं हम मीनाक्षी के यहाँ। रेखा तो अभी तैयारी रही हुई, इसलिए पूजा और मैं निकलते हैं मीनाक्षी के यहाँ। और दिखाती हूँ मैं यहाँ सामने से मीनाक्षी का घर आप लोगों को। ये देखिए सामने पे है मीनाक्षी का घर, और चलते हैं मीनाक्षी के यहाँ। बिल्कुल आमने सामने हैं हम लोग। चल पूजा। दोस्तों आज देहरादून के मौसम की बात करें तो मौसम आज बिल्कुल धुंधला रखा है, बादल छाए हुए हैं और काफ़ी ठंड आज देहरादून में हो रही है। कल तक तो काफ़ी गर्मी होने लग गई थी, लेकिन आज काफ़ी ठंडा हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको अभी देहरादून का मौसम। ये देखिए आसमान में बिल्कुल काले काले बादल लगे हुए हैं। मौसम बिल्कुल ख़राब है, हो सकता है रात तक बारिश आ जाए। बारिश भी आ सकती नहीं रात तक। अभी तो थोड़ा साफ़ हो गया, इससे पहले बहुत ख़राब हो गया था, काफ़ी आंधी तूफान चल रही थी। बढ़ते हैं मीनाक्षी के घर की ओर, देखते हैं कौन कौन आया। अभी फर्स्ट हम ही तो नहीं आ रहे, आ गए होंगे लोग, अभी नहीं आए, नज़दीक वाले पहले। और यहाँ पे मीनाक्षी का पूजा करो, जय हो गणपति गणेश की। और ये है मीनाक्षी का किचन, जो कि काफ़ी सुंदर है। और मीनाक्षी यहाँ पे कर रही है अभी किट्टी की तैयारी, और घर में ही सारे डिशेज बना रही है। देखते हैं मीनाक्षी क्या क्या बना रही है। बना ही दिया तूने आधा से ज़्यादा। इसमें क्या है, छोले? इसमें नहीं, मम्मी पाव भाजी। अच्छा, अभी तो नहीं चिपक गए, मतलब नहीं टूट गए। ये देखिए पार्टी में पहुंच चुके हैं सारी अजंता की ब्यूटियाँ। छोड़ो भाई थोड़ा प्रणाम कर। दोबारा शुरू हो गई क्या? दोबारा शुरू हो गया क्या? ये आ गए हैं पार्टी वाले। ये देखिए पूरी लाइन लगी हुई है। आ जाओ फटाफट पार्टी वाले। पार्टी हॉल में चलेंगे अब। और पहुंच चुके हैं हम पार्टी हॉल में। कुछ इस तरीके की व्यवस्था की है मीनाक्षी ने, और इस बार हम मीनाक्षी के पार्टी हॉल में पार्टी करने वाले हैं। और देखिए सब लोग आ चुके हैं पार्टी में। ये देखिए पहुंच चुके हैं हमारे खास मेहमान। हाँ लेट हो गए तुम। और ये देखिए इस तरीके से बेडशीट बिछाई जा रही है गद्दों के ऊपर। सभी लोग हेल्प कर रहे हैं मीनाक्षी की, और बैठ चुके हैं सब यहाँ पे इस तरीके से खुले खुले में। और मीनाक्षी का ये नया घर है, नए घर में है ना।
खाना भी शुरू करो भाई, तभी तो दिखेंगे कौन कितना खा रहा। चलो खाना भी स्टार्ट करो। और यहाँ से खाना स्टार्ट हो चुका है। आज सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि पैसे 850 रुपए है। नहीं तो आज मैंने कहा सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे हो चुका है पंगा, भयंकर पंगा हो चुका है पैसों के मामले। देखो दूसरी सास आग लगा रही है। वही तो, देवराज मौका ही नहीं छोड़ रही, अपने बस की देवी तो बहुत करवा रही है। बहुत बड़ी गड़ी विधियां चल रही है। वही तो हो गया, ये लो तो खुश रहे अमिता तू भी। आ जाओ, और अब सब अपनी अपनी मनी निकालो। शर्मा किसने भेजा है? शर्मा जी। किसके हैं? शर्मा जी के। अच्छा, शर्मा भैया के पैसे हैं। तो घबरा क्यों रहे पैसे आते? घबरा क्यों रहे ऐसे बोलने में? एक एक को हो रहे हैं। गारंटी के पैसे किसी के पास है? गारंटी के पैसे नहीं हमारे पास तो नहीं। डॉली भाभी पैसे दो। डोली नहीं ला रखी, डोली नहीं ला रखी। डोली करा रहे नोट ला, नहीं तो गूगल पे डोली के ये ना सिलाई डोली की खून पसीने की कमाई है। वही तो, वो डोली के खून पसीने क्या खून पसीने की कमाई। हाँ भैया ये तो मस्त नोट। अच्छा नहीं नहीं, तुम दी मेरे 40 रुपए। नहीं नहीं मैंने और राखी के भी कर दो। अच्छा अब किसकी है? मेरी है अगली किट्टी। तुम भी ऐसे करोगी कैसे? सारी मत बताओ, उसने एक ही लिया, उसकी कंप्लेंट मत करो। सुनती को कैसे घूर रहा है? हल्ला कर रहे ना, संदूक लेके क्यों नहीं आया तू? गोली खत्म हो रही है। गोली खत्म हो रही है। चल भाई मीनाक्षी को दो पैसे। ओ भाई मीनाक्षी को पैसे दे, घुमा घुमा के अमाउंट। मीनाक्षी को मिल गए आज पैसे सब क्या है? दो गारंटी के दिया, दो थैंक यू। और सब लोगों का खाना चल रहा है अभी यहाँ पे। पेट भर के खाओ हैं, अब घर जाके सो जाओ। अगली बार किसी को कर जाओ अंदर कर जाओ। 7 बजे बुलाना चाहिए था, तेरे 8 बजे तक खाते हो जाते। वो तो सो जाते, सही बात है। और एक एक भर के भी ले जाते क्यों भाई? जब हम हमारा कौन बनाएगा भी? सही बात है, तुम बनाना नहीं परोसा भी ठीक है, परोसा परोसे के लिए बर्तन लाना। वही तो घूर घूर से देख रही है तो। मैं निकाल, मैं चाय चढ़वाती हूँ ना, तब मैं ये बोल रही थी। चाय पी रहे हो या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? चाय ना, अभी चाय की इच्छा है। अच्छा चलो ठीक है। और पार्टी में सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, और आप सब जाने लग गए अपने अपने घरों को। क्यों डर, मजा आएगा आज की किट्टी में।
सबसे ज्यादा बहुत मजा आया। ये सारी अजंता ब्यूटीज है, देखो सारी अजंता की ब्यूटीज है। लेकिन इन्होंने मेरे 40 रुपए का घर है। तो बढ़ते हैं हम लोग भी अब घर की ओर, क्योंकि हम लोग तो नजदीक वाले थे इसलिए आराम से जा रहे हैं। और बाकी दूर 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 तो क्या है कि सोसाइटी के सब लोग, क्योंकि ये हमारी जो इस सोसाइटी में रहते हैं जितने लोग, उत्तों की किट्टी है ये, इसमें कोई बाहर वाला नहीं है। तो फुल इंजॉय के साथ बढ़ते हैं अब घर की ओर। यह है मीनाक्षी का ड्राइंग रूम, पूरा ग्रे ग्रे, और बहुत सुंदर सोफा यहाँ पे लगा हुआ है, मस्त लग रहा है ना। टेबल भी अच्छा है ना, सुंदर है, जगह के हिसाब से ना बहुत अच्छा बन रहा है। और यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा मीनाक्षी के सोफों का आनंद ले रहे हैं, सोफे कि सोफे अच्छे बने हैं या नहीं है। और इधर डॉली भी चेक कर रही है, डॉली के वजन से सोफे नहीं टूटने चाहिए। और हम इसलिए हम सोफे का आनंद ले रहे हैं अभी मीनाक्षी के। उधर से बच्चे प्रणाम 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 प्रणाम। और अस्मिता आ चुका है हमारी फोटो खींचने, अब भाग रहा छूट गया डॉली पर आ जाए। और मीनाक्षी के सोफे में फोटो तो बनती है। पापा यहाँ से इनको परोसा तक का मतलब नहीं आता था, नेक्स्ट टाइम में परोसा लेके आएंगे, ठीक है, परोसा लेके जाए, परोसा लेके आएंगे बहुत बड़ा वाला। इन लोगों को पता नहीं था परोसा क्या होता है, लेकिन रेखा को ले समझाना पड़ा और समझा दिया है कि क्या होता है परोसा। ये हमारे राहुल भैया, मीनाक्षी के हस्बैंड, ऐसे में समझ आ जाएगा ना मीनाक्षी के। भैया ने बनाया था सही में, वाह यार बहुत बहुत टेस्टी थे। और ये है मीनाक्षी, अगली महीने हमारे यहाँ देखो, डॉली ने भैया इनवाइट कर दिए हैं। नहीं, नहीं, नहीं,
जरूरत पड़ता घर में तो कितना अच्छा होता। अरे तो तभी तो कह रही हूँ बहन, दो पैक मारो और चल दो, पी के टून हो जाएंगे तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सही कहा, एक ही उपाय है। हाँ, एक ही उपाय, सही बात। तो मीनाक्षी खोल भाई ऐसे करके ठीस वाली करेंगे, ठीस वाली पियेंगे। और आई भी भगवान को प्रणाम करके गई मैं यहाँ पे से, और फिर घर जाते वक्त भी जय हो गणपति गणेश की। सुंदर सा पूजा घर मीनाक्षी का। आज इनको नशा लग गया, नशा तुम, हाँ वही मैं कह रही, तुमको नशा लग गया। चलो फिर, ओके बाय 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 बाय। पार्टी पुर्टी तो हो चुकी है, अब चलते हैं अपने घर, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में, नई दिनचर्या के साथ, नई चीजें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।